आज सर्दियों की बहुत ही खास रेसिपी जिसे आप लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में कभी भी तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग रिपीट। आज हम तैयार करने वाले हैं आलू मेथी का बहुत ही स्पेशल पराठा। आलू के पराठे, मेथी के पराठे आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज जो पराठा हम तैयार करने वाले हैं ना, बहुत ही स्पेशल है और हेल्दी भी। तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए तैयार करते हैं आज की रेसिपी। तो आज ये तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले लिया यहाँ पर मेथी। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मेथी ली है और इसको अच्छे से धो लिया है, और उसके बाद इसका पानी पूरी तरह निकल चुका है। मेथी को थोड़ा बारीक बारीक काट लेंगे और अच्छे से 3 से 4 बार पानी में धो लेंगे। उसके बाद हम इसे काट लेंगे बारीक बारीक। तो यहाँ पर मैंने मेथी को बारीक काट लिया है, देखिए इस तरह से, और धोना बहुत जरूरी है, 3 से 4 बार पहले ही धो लें। और अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल या थाली, परात, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसमें लिया 1 कप गेहूं का आटा, और ये जो हमने मेथी काटी थी उतनी ही हमने मेथी ली है बारीक कटी हुई। उसमें डाला है 1/4 चम्मच नमक, और पहले ही हम आटे में मेथी को और नमक को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसका मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो हमने जितनी मेथी ली थी, 1 कप अगर हमने आटा लिया था और 1 कप ही हमने कटी हुई मेथी ली है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो रखेंगे, हार्ड नहीं रखेंगे, बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट रखेंगे ताकि इजीली हमारा पराठा स्टफ हो सके। अगर हार्ड हो जाएगा तो हमारी स्टफिंग अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो देखिए हमने डो को तैयार कर लिया है, और अब 1 चम्मच ऑयल लेकर हम 5 मिनट तक इसे बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। बहुत अच्छे से स्मूथ करते हुए करेंगे ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रेच। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक देखिए आटे को गूंथा है, उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें कितने अच्छे से स्ट्रेच आ चुका है। देखिए इस तरह से बिल्कुल ये अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है, टूट नहीं रहा है। तो अब हल्का सा ऑयल लगाएंगे हम इसके ऊपर, और करीब 15 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे सेट होने के लिए। और इसके लिए हम आगे की तैयारी करेंगे। ये पराठा आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है गैस पर, और उसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल। अब हम इसमें डाल रहे हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, और 1 ही चम्मच है अदरक कद्दूकस किया हुआ। तो दोनों ही चीजों को हम पहले भून लेते हैं। तो यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च दोनों को हमने हल्का भूनने के बाद, एक मीडियम साइज की प्याज ली है बारीक कटी हुई, उसको भी हम लाइट गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी पराठा लगता है, बिल्कुल एक अलग तरीके से टेस्ट आता है इसमें ना, मेथी का और आलू का दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत अच्छा आता है। तो देखिए प्याज में हल्का सा गोल्डन कलर इस समय पर आ चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद, और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब हमने लिए हैं यहाँ पर आलू। तो 3 आलूओं को मैंने उबाल लिया था, और उबालने के बाद इन्हें छील लिया, और पूरी तरह से अब ये बिल्कुल ठंडे हैं। जब हम इन्हें आलू को यूज करेंगे तो बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, और हल्का सा उन्हें मैश कर लें इस तरह से। और अब जो हमने अभी मसाला तैयार किया था प्याज, अदरक और हरी मिर्च का, वो हम इसमें ऐड कर दें। अब हम कुछ मसाले और ऐड कर रहे हैं, जैसे बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें डाल रहे हैं, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून लिया है अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा हाथ पर डालकर हम क्रश कर लेते हैं, ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है और टेस्ट तो इसका अच्छा आता ही है। 1/4 टीस्पून लिया है गरम मसाला, और 1/2 छोटा चम्मच लिया है इसमें चाट मसाला। इसकी जगह पर आप अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं चाट मसाले की जगह पर। और अब ये सभी मसाले हम इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम ये जो मिक्सर है अपना, इसको हम मिक्स कर लेंगे और साइड रख देते हैं। अब हम इसके बाद आटे को चेक कर लेंगे। तो देखिए आटा 15-20 मिनट हो गई है, पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हम इसमें से लोइयां निकाल लेंगे। तो लोई जो हम आटे की निकाल रहे हैं पेड़ा, वो थोड़ा सा साइज में बड़ा रखेंगे, क्योंकि हमें इसे स्टफ करना है।
तो यहाँ पर अब हमने चकले पर थोड़ा सा सूखे आटे में इसको हम डस्ट करेंगे अपनी आटे को। तो अब हम इसकी एक बड़ी चपाती बेल लेंगे। तो हम जो चपाती तैयार करेंगे बहुत मोटा नहीं रखेंगे या बहुत पतला भी इसको नहीं रखेंगे, एक अच्छे से बड़ा बिल्कुल हम चपाती की तरह इसको तैयार करेंगे। तो अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी उसको हम रखेंगे, इसमें 2 चम्मच स्टफिंग हम आराम से इसमें भर सकते हैं। और अब हम इसे ट्राइंगल शेप देंगे स्टफिंग को ही, इसके बाद ही हमारा पराठा शेप में आएगा। तो देखिए हल्का सा हाथ से उसको हम इस तरह प्रेस करते हुए ट्राइंगल शेप में ले लेंगे। और ये ट्राइंगल पराठे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, आप इसमें कोई और सब्जी भी भर सकते हैं या फिर चीज भी भर सकते हैं। तो अब हम इसे हल्का का फोल्ड करेंगे। देखिए पहले साइड से इस तरह से लेंगे और इसको हम फोल्ड कर देंगे, जो हमारी स्टफिंग है उसको हम कवर कर लेंगे पूरी तरह से। और शेप हम वही ट्राइंगल लेंगे इसकी। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए ये ट्राइंगल शेप हमारी तैयार हो गई है। अब हल्का सा सूखा आटा हम डस्ट करेंगे और इसको बहुत हल्के हल्के हाथ से बेल लेंगे। तो शेप हम ट्राइंगल में बेलेंगे तो इसलिए बिल्कुल हल्का हल्का इसको शेप में ही बेलें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बहुत तरीके की होम रेमेडीज भी आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं जो कि सर्दियों के लिए हैं, बहुत अच्छी हैं, बच्चों के खांसी जुकाम के लिए, बड़े लोगों के लिए जो हड्डियों का दर्द जोड़ों का दर्द, तो इस तरह की बहुत सारी रेमेडी आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो देखिए अब यहाँ पर तैयार कर रहे हैं हम स्क्वायर शेप का पराठा। तो इसी तरह से हम उसे भी पहले स्टफिंग को शेप देंगे, उसके बाद हम आटे को बेलकर उसकी चपाती को इस तरह से शेप दे देंगे। तो हल्का सा सूखा आटा डस्ट करने के बाद हम बहुत हल्का हल्का बेलन चलाएंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। और आटा भी हमने बिल्कुल सॉफ्ट तैयार किया था। तो बस हमारे पराठे इसी तरह से तैयार हो चुके हैं और अब हम इन्हें सेक लेंगे। तो मैंने तवे को गरम कर लिया है, उस पर डाला है हल्का सा ऑयल। और अब हम सबसे पहले तैयार करेंगे ट्राइंगल वाला पराठा। तो लो टू मीडियम हीट पर हम पराठे को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। ये कितना अच्छे गोल्डन कलर में आया, बिल्कुल जो रेस्टोरेंट वाले पराठे होते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाला पराठा ढाबे पे, वो अलग ही टेस्ट का होता है। तो बिल्कुल वही टेस्ट आपको इसमें आने वाला है, बहुत ही टेस्टी पराठा लगता है ये। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। जो बच्चे पराठा मेथी नहीं खाना पसंद करते ना, वो भी इसमें खाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। तो दोनों तरफ से हम पलटते हुए इसको गोल्डन कर लेंगे, अच्छे से क्रिस्प कर लें पराठे को। और फिर हम इसे सर्व करेंगे मिर्ची की साथ। जो मसाला मिर्ची हमने तैयार की है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप मिर्ची के साथ इस पराठे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और वो मसाला मिर्ची 5 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं झटपट से। तो देखिए मसाला मिर्ची के साथ हम इसे सर्व कर रहे हैं और साथ में लेंगे हम बटर। तो व्हाइट बटर जो घर पे हम मलाई से निकालते हैं ना, उसके साथ इस पराठे का टेस्ट डबल आता है। तो चलिए आप इस रेसिपी को एक बार जरूर तैयार कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे मिर्ची और मक्खन के साथ, तो देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ ये कितना क्रिस्पी कितना अच्छा पराठा बना है। गर्मा गर्म पराठा, चाहे आप इसे ब्रेकफास्ट में लें, लंच में लें, डिनर में लें या बच्चों को आप टिफिन में दें, तो किसी भी तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई रेसिपी के साथ।